सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से हटा प्रतिबंध, 27 मार्च से दोबारा शुरू होंगी सेवाएं। यूपी के सपा नेता आजम खां को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत। रूस संकट पर बोले जेलेंस्की, यूक्रेन 13 दिन से लड़ रहा, नो फ्लाई जोन पर फैसला नहीं ले पा रहे पश्चिमी देश। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर टी जैकब जॉन का दावा, भारत में कमजोर हो रहा कोरोना, नहीं आएगी चौथी लहर। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की जेलेंस्की से अपील, किसी भी कीमत पर रोके युद्ध। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। सीएम धामी ने पत्नी संग किए हनौल और महासू देवता के दर्शन, पारंपरिक नृत्य में हुए शामिल। एग्जिट पोल पर बोले सीएम धामी, प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तराखंड एग्जिट पोल पर बोले हरीश रावत, जनता का पोल बड़ा, बनेगी कांग्रेस की सरकार। मतगणना से 2 दिन पहले कांग्रेस की अहम बैठक, कई बड़े नेता शामिल। देहरादून में 22 मार्च को होगा ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेले का आयोजन, तैयारियां पूरी। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।